ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कम्युनिटीज फाइंड करनी है। और सबसे पहला स्टेप उसके लिए ये है कि हम लोग सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाएं। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में हर नोड से हर नोड तक की सिमिलैरिटी हम लोग निकालेंगे। तो अब आप मुझे इसके अंदर थोड़ा सा हेल्प आउट करवा दें, ए बी की सिमिलैरिटी क्या निकलेगी? सर टू बाई टू निकलेगी। ठीक है, हमारे पास कॉमन नेबर जो है वो एक है, डायरेक्ट लिंक है टू, और मिनिमम डिग्री हमारे पास जो है वो टू है। तो ये हमारे पास टू ओवर टू वन आ जाएगी हमारे पास। व्हाट अबाउट ए सी? ए सी का भी टू और टू मिल मिल रहे सर। है। इसके अंदर कॉमन नेबर जो है वो ए सी के, अगर देखें तो एक ही कॉमन नेबर है हमारे पास, ठीक है, और मिनिमम डिग्री टू है, ठीक है। तो इट मेक सेंस कि मिनिमम डिग्री से हम लोग इसको डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर एक नोड के सारे कनेक्शन जो है वो हमारे पास दूसरी नोड, जैसा सी के तो और भी कनेक्शन है डी के साथ है, लेकिन ए जो है वो उसके सारे के सारे कनेक्शन सी के साथ है। तो इस लिहाज से जो रावास का जो फॉर्मूला है ये इसको कहता है कि हमारे पास इनकी सिमिलैरिटी जो है वो हमारे पास हाई होगी, ठीक है। व्हाट अबाउट ए डी? ए होगी 1/2 वन बाई टू क्यों होगी? सर उनका एक नेबर हम सिमिलर कॉमन है और नेबर है, टू उसमें डिग्री मिनिमम। मिनिमम डिग्री जो है वो हमारे पास टू है, ठीक है। व्हाट अबाउट ए ई? सर इसका इन्फिनिटी नहीं होगा नेबर नहीं, बनाता है आपके। इन्फिनिटी तब होगा जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो जीरो मिनिमम डिग्री तो वन है हमारे तो पास, सर 0/1 0 जीरो हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई जीरो डायरेक्ट एज भी नहीं है और कोई कॉमन नेबर भी नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट बी सी? बी और सी के बीच 2 और 2 ओवर टू इससे मिल रहा पी पी डी है बी 0। नहीं सर वन जीरो नहीं और है, टू सी कनेक्टेड है तो सर 1/2 सर। बी 0 और 1 बी सर 0 है। 0। व्हाट अबाउट सी डी? 2 और 2 1/2 सर 1 अबाउट टू सी ओ सी एंड डी 1/2 सर। श्योर? यस सर, इनका डायरेक्ट लिंक एक है इनके बीच में और सर नेबर्स कॉमन नहीं है कोई। एक कॉमन वन नेबर और डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो हाँ सर वो तो नहीं, मेरे जेन तो बन मैं हो जाएगा। एसटीडी का बोल रहा हूँ, एसटीडी का बोल रहा हूँ सर। सीई ई में सर 1/2 यस सर। डिनोमिनेटर में वन होगा और क्योंकि वन एक ही नहीं डिग्री है जो हमारे पास है, ठीक है। व्हाट अबाउट डीई? वन बाई वन वन बाई वन है सर। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी मैट्रिक्स आ गया। ऑफ कोर्स मतलब अनडायरेक्टेड है, तो हमारे पास यही चीज़ें जो है वो हमारे पास ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ जाएंगी, और हमारे पास जो सिमिलैरिटी है बिटवीन द नोड्स वो हम लोग जो है वो उसको 0 या अनडिफाइंड जो है हम लोग कॉन्सिडर कर लेंगे। अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया कि हमारे पास जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है वो आ गया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि जो आपकी बुक है उसके अंदर फार्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह यहाँ पे जो है वो एक्स आई जे का जो फार्मूला दिया हुआ है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, जे एन आई कॉमा जे डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ डिग्री ऑफ नोड आई एंड डिग्री ऑफ नोड जे, ठीक है। तो आपकी स्लाइड्स में जो ये फार्मूला दिया हुआ है, ये दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। जो इसका एक्चुअल फार्मूला है वो हमारे पास है, ये हमारे पास ये है जे एन आई जे, ठीक है, डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ के आई के जे प्लस, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक हमारे पास फंक्शन होता है, आई थिंक इट इज कॉल्ड हैच फंक्शन, और
इसको ए आई जे पास करते हैं या वन माइनस ए आई जे पास करते हैं, इन दोनों में से इसे देख लेते हैं हम लोग। ये फंक्शन क्या करता है कि एच जो है एक्स, ये हमारे पास जीरो होता है, ये हमारे पास वन होता है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारे पास वन होता है, अदरवाइज दिस इज जीरो। ठीक है, जीरो अदरवाइज। मेन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास यही है, इसको अगर हम लोग वन पास करेंगे तो ये हमें जीरो वैल्यू देगा, वन के अलावा अगर कोई और वैल्यू पास करेंगे तो ये हमें जो है वो जीरो जो है वो रिटर्न करेगा। तो जस्ट लेट मी कंफर्म इट, जब देखें जिस तरह ये डी और ई वाला, नहीं सी और ई वाला हम लोगों ने केस निकाला था ना, अब अपेरेंटली सी और ई जो है वो हमारे पास सिमिलर नहीं बनते, लेकिन क्योंकि ई की डिग्री हमारे पास जो है वो कम है तो इस तरह से हमारे पास इसका डिनोमिनेटर वन हुआ और हमारे पास जो है वो इसकी सी और ई की सिमिलरिटी वन हो गई। तो आपकी बुक में जो फार्मूला है उसके अंदर ये है कि अब जिस तरह अगर हम लोग ए आई जे जो है हम लोग लेट से सी और ई देख रहे हैं, तो सी और ई के लिए एडसेंसी मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी क्योंकि उसके दरमियान एच एग्जिस्ट नहीं करता। तो वन माइनस जीरो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और उसके लिए हमारे पास एक्स ऑफ वन के लिए जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें जीरो मिलेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स के डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग जो है वो अगर ये इसको हम लोग निकालें सी और ई के लिए, तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन नेबर्स इनके वन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मिनिमम डिग्री हमारे पास वन है, प्लस हमारे पास अब सी और ई में डायरेक्ट एच नहीं है तो यहाँ पे हम लोग वन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बुक वाले फार्मूले के हिसाब से इसकी इसकी जो हमारे पास सिमिलरिटी निकलेगी वो हमारे पास वन ओवर टू मिलेगी निकलेगी। और इसी तरह जब ए और सी को हम लोग देखते हैं तो ए और सी में डायरेक्ट एच है। ठीक है, दैट मीन्स ए आई जे की वैल्यू हमारे पास जो है वो एडसेंसी मैट्रिक्स में ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वन होगी, तो वन माइनस वन हमारे पास जीरो हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट जो हमें जीरो मिल जाएगा, और सॉरी इसको मैंने अदर वे अराउंड लिख दिया है कि हमारे पास सही आपने सही लिखा है सर, ये असल में सही लिखा है जो हमने प्लस वन लेके इसको जीरो लेके सीई के लिए हमारे पास निकाल लिया 1 + 0 माइनस 0 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, ए सी के लिए हमारे पास जो है ये 1 होगा ना, एडसेंसी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 होगी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एच ऑफ 0 जो है एच ऑफ 0 हमें 0 मिलना चाहिए ना सर, ये 1 माइनस हैश ए ऑफ जे ए ऑफ आई जी, ये मैंने चैट में किया है शेयर, ये 1 माइनस हो जाएगा इस तरह। यस सर इस तरह, राइट थैंक यू। तो ये अब जो है ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब हमारे पास जो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो अब सी और ई में अगर हमारे पास डायरेक्ट एच नहीं है तो उसके लिए एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो जीरो होगी, और जीरो जो है हमें वन नहीं, दिस इज आई थिंक हम लोगों ने एच फंक्शन जो है हम लोगों ने सही डिफाइन नहीं किया, दिस शुड बी जीरो एंड वन अदरवाइज। अगर हमारे पास एच ए इसमें हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास ए आई जे ना, तो जस्ट अगर सी और ई को देखते हैं तो हमारे पास ए आई जे जो जीरो होगा, तो वन माइनस और एक्स ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास जीरो देगा, वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग पेनालाइज कर रहे होंगे। ए सी के लिए हमारे पास जो है वो एच जो आई ए आई जे की वैल्यू है वो हमारे पास वन होगी, और एच ऑफ वन जो है वो हमें वन देगा, और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। नाउ दिस दिस इज द राइट थिंग, कि हम लोगों ने एच फंक्शन जो है ये हम लोगों ने ठीक से डिफाइन नहीं किया था। इसकी टेक्निकलिटीज़ में गए बगैर आप ये देख सकते हैं कि बस आपने ये करना है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपके पास दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट एच है, जिस तरह ए और सी है उसके बीच में डायरेक्ट एच है, तो आप नीचे वन ऐड नहीं करेंगे, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास जीरो हो जानी चाहिए इफ़ देर इज़ अ डायरेक्ट एच बिटवीन आई एंड जे। और अगर हमारे पास आई और जे में हमारे पास डायरेक्ट एच जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, जिस तरह सी और ई के केस में हमारे पास डायरेक्ट एच एग्जिस्ट नहीं करता,
तो हमारे पास एच आई जे की वैल्यू जो हमारे पास जीरो हो जाएगी और वन माइनस जीरो हमारे पास वन हो जाएगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हम लोग उसको जो पैरालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो, इसको आप बुक में एक मरतबा जो है वो दोबारा डबल चेक भी जो है वो आप कर सकते हैं। और ये जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला है जिसके अंदर हम लोग डिनोमिनेटर को भी पेनालाइज कर रहे होते हैं अगर आई और जे में हमारे पास डायरेक्ट एच नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स के बाद जो है फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि कम्युनिटी डिटेक्शन हम लोगों ने किस तरह करनी है।